यूपी के फरुखाबाद में हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये मामला शमशाबाद क्षेत्र के अजीजाबाद का है, जहां कुछ दिनों पहले जगदीश नाम के एक किसान की हत्या हो गई थी, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक के भांजे सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। किसान की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी से उसके भांजे का प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसने गांव के दो लोगों के साथ मिलकर जगदीश की हत्या कर दी। थाना शमशाबाद में ग्राम अजीजाबाद गांव के एक 30 वर्षीय युवक जगदीश की हत्या 7 जुलाई की रात हुई। वो मक्के के खेत पर फसल की रखवाली करने के लिए रात में सोया हुआ था और सरिया से और डंडे के प्रहार से उसके सिर में चोट पहुंचाई गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें प्राथमिक स्तर पर वादी पक्ष ये नहीं बता पा रहे थे कि क्या इसमें घटना हो सकती है, काफ़ी अनसुलझा सा केस था। इसमें थाना प्रभारी जेएल सोनकर और इनकी टीम, इन्होंने प्रयास किया और 3 दिन के भीतर ही इस घटना का खुलासा कर दिया। इसमें यह तथ्य पाया गया कि मृतक की पत्नी से अवैध संबंध उसके सगे भांजे के थे, प्रमोद जिसका नाम था, उसने रास्ते से हटाने के लिए इसकी योजना बनाई और इसका सहयोग इसके एक खुद के बटाईदार ने किया, जो कि प्रकाश नाम का है, जहां पर घटनास्थल उसके बगल के गांव का ही रहने वाला है और बराबर उसका आना जाना के परिवार में था, क्योंकि बटाईदार ही था। बटाईदार का कुछ पैसा तकरीबन 10,000 रुपये मृतक पर बकाया था और देने में कुछ हीला हवाली कर रहा था, वो भी उसे रास्ते से हटाना चाहता था। फिर इन दोनों ने मिल करके रात में इस घटना को अंजाम दिया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।